हेलो माय डियर फ्रेंड्स आई होप दैट यू ऑल आर ग्रेट इन टूडेज वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग आर न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर एट एंड द चैप्टर नेम इज रीजनल एस्पिरेशंस। तो रीजनल एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस का मतलब होता है आपकी डिमांड तो हमारे इंडिया के अंदर रीजनली कुछ डिमांड्स उठेंगी जो कि इंडिया के यूनियन के लिए एक खतरा होंगी मतलब कि रीजनली हम कहेंगे कि हमारा ये जो रिजन है फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर है या फिर पंजाब है नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ में जो द्रविडियन मूवमेंट हुई थी ये सारे रिजन का डिमांड आएगा फॉर अ सेपरेट नेशन राइट और कैसे इंडिया उस चीज के साथ डील करेगा एंड हाउ इंडिया विल बी अ यूनाइटेड नेशन राइट सो इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टार्टिंग कि कैसे हमने पहले पढ़ा था वह चैप्टर नंबर वन के अंदर कि कैसे नेशन बिल्डिंग जो होता है वो हमने तीन स्टेप्स में किया था जैसे हमने पहले यूनिटी यु, इन डाइवर्सिटी को इंश्योर किया फिर हमने डेमोक्रेसी के लिए अपनी कंट्री के अंदर एक स्टेप था कि नेशन बिल्डिंग के लिए डेमोक्रेसी को सेटअप करना पड़ेगा थर्ड था कि कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब लोगों को साथ में लेकर चलना है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो है वो आपकी डेवलपमेंट पूरी हो गई आपकी नेशन बिल्डिंग खत्म हो गई बट द थिंग इज आपको ये समझना है कि नेशन बिल्डिंग जो है एक अनएडिंग प्रोसेस है इसका कोई अंत नहीं है क्योंकि हर टाइम आपके पास नए चैलेंजेस आते रहेंगे जैसे कि एस्पिरेशन फॉर ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ को लेकर चलो आपको अपनी लाइफ के अंदर अपने डिसीजन खुद लेने हैं, किसी के हिसाब से नहीं चलना है किसी की इम्पोज बातों को नहीं मानना है तो मतलब यू वॉन्ट ऑटोनॉमी इन योर लाइफ राइट उसी तरीके से एक देश के अंदर क्या होता है कुछ रिजन होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारे ऊपर चीजों को इम्पोज किया जा रहा है उसकी वजह से एस्पिरेशन यानी कि डिमांड आती है ऑटोनॉमी के लिए तो जब ऐसी एस्पिरेशन आती है तो क्या होता है कि इंडियन यूनियन के ऊपर एक चैलेंज आ जाता है कि हमें कैसे उस रिजन को अपने साथ एसिमिलेटेड रखना है ठीक है तो ये जो ऑटोनॉमी की एस्पिरेशंस हैं या तो वो ऐसे हो सकती है कि हमें इंडिया के अंदर ही रहना है पर हमें ज्यादा अपने राइट्स चाहिए हमें ज्यादा पावर्स चाहिए अपने रिजन के लिए ठीक है सेंटर ज्यादा हमारे ऊपर वो मत करे चीजों को इम्पोज पर दूसरी चीजें हैं कि दे वॉन्ट ऑटोनॉमी आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन यानी कि वो इंडिया के अंदर रहना नहीं चाहते हैं दे वॉन्ट कि हम लोगों को ऑटोनॉमी बाहर चाहिए मतलब हमें एक परसेंट भी आपका इम्पोजिशन नहीं चाहिए तो नेशन बिल्डिंग जो है वो एक अनएिंग प्रोसेस है वो आज भी चल रहा है वो फ्यूचर में भी चलता रहेगा तो जैसे आपने पढ़ा था कि जनता एक्सपेरिमेंट जो नेशन के अंदर काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी राइट नाइनटीन एटीज के अंदर क्या होता है थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है जब जनता एक्सपेरिमेंट बंद हो जाता है यानी कि जो जनता गवर्नमेंट है उसका डिक्लाइन होने लग जाता है तो जैसे इंदिरा गांधी जो है वो जीत जाती हैं इलेक्शंस के अंदर तो अभी क्या होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने लग जाती है पर इस दौरान नाइनटीन इज़ द टाइम पीरियड यू नीड टू रिमेंबर अच्छी तरीके से एक बार आप बोल लीजिए नाइनटीन एटीज इस चैप्टर का टाइम लाइन है ठीक है तो जो नाइनटीन एटीज़ का टाइम पीरियड है वो कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था जैसे मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर का आप एक फर्स्ट टॉपिक पढ़ोगे फिर आप पंजाब के बारे में पढ़ोगे कैसे वहां पर ऐसी एस्पिरेशन उठ रही थी नॉर्थ ईस्ट के बारे में द्रविडियन मूवमेंट जो कि साउथ इंडिया के अंदर हुआ था सिक्किम मर्जर के बारे में पढ़ेंगे और गोवा की लिबरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब कुछ आपने इंट्रोडक्शन देख लिया अपने चैप्टर का नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो है रीजन एंड द नेशन अब देखेंगे कि नाइनटीन वाला जो समय था वो बहुत सारी मूवमेंट्स वाला टाइम पीरियड था आर्मड असर्शन हुआ करते थे उस समय पर देखिए जितनी भी आप जम्मू कश्मीर पंजाब नॉर्थ ईस्ट द्रविडिन मूवमेंट एट्रा के बारे में हम पढ़ेंगे उन सब के कॉमन फीचर्स क्या हैं सबसे पहले मूवमेंट्स चल रही थी सब नाइनटीन के अंदर थी आर्म्ड असोशन थे ये असर्ट करना मतलब आप अपनी डिमांड को रख रहे हो आप अपनी डेक्लेशन कर रहे हो एक तरह से किसके थ्रू आर्म एंड एम्यशन के थ्रू यानी कि आप वेपन्स को यूज करके उस चीज की डिमांड सामने रख रहे हो उस चीज को दबाने के लिए गवर्नमेंट रिप्रेस करेगी उस मूवमेंट को यानी कि रोकने की कोश, कोशिश करेगी थ्रू मे बी थ्रू फोर्स मे बी थ्रू नेगोसिएशन्स ठीक है और जब सिचुएशन बहुत ही भयानक हो जाएगी उस रिजन में कि बिल्कुल ही पोलिटिकली इंस्टेबल रिजन बन चुका है तो वहाँ पर पोलिटिकल एंड इलेक्टोरल प्रोसेसिस जो हैं वो कलेप्स हो जाएंगे मतलब नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस जो हैं वो नहीं हो पाएंगे और आप एंडिंग में देखोगे कि कैसे उस रिजन के साथ नेगोसिएशन्स की गई और बात को सेटल किया गया तो ये जो है हर थीम होगी हर टॉपिक की जो आप पढ़ने वाले हैं अब हम सबसे पहले ये बात पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया की अप्रोच यूरोप की अप्रोच से काफी अलग है जब भी ऐसी कोई ऑटोनॉमी की डिमांड उठती है तो इंडिया की अप्रोच क्या रहती है कि द नेशन वुड नॉट मीन निगेशन ऑफ द रीजन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड इसी से ये सारे पॉइंट डिराइव होते हैं कि इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो कि अपनी सिर्फ आपको ऐसे बाइंडिंग नहीं रखना चाहती ठीक है वो रिजन को भी उतनी ही अटेंशन देती है निगेशन मतलब उस रिजन को ऐसे नकारा नहीं जाएगा उसकी डिमांड्स को नकारा नहीं जाएगा इन द नेम ऑफ नेशन कि हमें तो यूनाइटेड रहना है एक बहुत ही अच्छे सोल्यूशन की तरफ को हम हमारी अप्रोच रही है कि हम नेगोशिएशन के थ्रू उनकी डिमांड को सुने और उनको सही सोल्यूशन प्रोवाइड करें राइट सो फर्स्ट पॉइंट जो है कि इंडियन अप्रोच का राइट ऑफ द डिफरेंट रिजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स टू रिटेन देयर ओन कल्चर हमारे जितने भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी आपको पता है कोई भी रिजन की डिमांड उठी तो उनके लिए रिस्पेक्ट है उनके राइट्स के लिए कि वो अपने कल्चर को मेंटेन रख पाए हम यूनिटी और डायवर्सिटी को बैलेंस में रखते हैं यानी कि हम डायवर्सिटी को ख़त्म नहीं कर देते कि हमें तो इंडिया के अंदर रहना है तो किसी का कल्चर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है किसी की लैंग्वेज का कोई ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर देर इज अ बैलेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डायवर्सिटी राइट और डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर इसकी वजह से क्या होता है कि देर इज देर इज अ राइट ऑफ द रिजन फॉर द पोलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रीजनल एस्पिरेशन यहाँ पे एस्पिरेशन आएगा तो सबके पास अपना अपना एक राइट right है कि आपका जो भी पॉलिटिकल डिमांड है आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो पॉलिटिकली हम आ, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो बताती है कि कोई भी ऐसा रिजन ऐसा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटी नेशनल है हम उसे एंटी नेशनल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम नहीं डिक्लेयर कर सकते उन्हें रीजनल इश्यूज़ जो हैं उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से एडिक्वेट अटेंशन दी जाती है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर रीजनल डिमांड्स जो हैं उन्हें स्ट्रेंथन किया जाता है उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है उन्हें स्ट्रेंथन किया जाता है राइट तो पर होता क्या है यूरोप के अंदर जो यूरोपियन अप्रोच है दैट इज वेरी डिफरेंट तो यूरोपियन अप्रोच क्या है दैट uh, सेज कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है Uh, यूरोप के अंदर वो एक थ्रेट है नेशन के लिए यानी कि वहां पर ये माना जाता है बेसिकली कि कोई भी अलग अलग डाइवर्सिटी जब भी आती है तो वो हमारी नेशन के लिए एक खतरा होती है पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं माना जाता इंडिया की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर द रीजनल एस्पिरेशन आर स्ट्रेंथ राइट दो हमारे पास दो तरीके की टेंशन आती हैं कि देखो एक तो है नेशनल यूनिटी ठीक है आपको इंडिया को एक इकट्ठा नेशन बनाए रखना है दूसरा है रीजनल नीड्स जो बार बार उठती रहती हैं तो आप आपको क्या करना है इन्हें बैलेंस करके रखना है राइट आपको नेशन को बचाए रखना है और आपको रीजन को भी खुश रखना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नेशन की यूनिटी को ज्यादा महत्व देकर जो रीजनल एस्पिरेशंस है उन्हें कम कर दो या फिर आप रीजन की कई जैसे कोई मूवमेंट है फॉर एग्जांपल वो अपनी नीड्स को ज्यादा ही देखते हैं वो नेशन के बारे में सोचते नहीं है वो भी नहीं चाहिए हमें तो ये जो ये वाली जो सिचुएशंस है ना कि आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो वो वाली सिचुएशन अनस्टेबल सिचुएशन है जिसकी वजह से काफी टेंशन जो है वो क्रिएट हो सकती हैं तो अब हम पढ़ेंगे जो टेंशन जब क्रिएट हुई तो क्या क्या हुआ राइट सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एरियाज ऑफ टेंशन तो आपको पता है कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो कई ऑब्जर्वर्स ने पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने कहा था इंडिया एज वन यूनिफाइड कंट्री कैन नॉट लास्ट लॉन्ग ज्यादा समय तक इंडिया चल नहीं सकती उनका कहना यह था कि इंडिया जिस तरीके की डायवर्स कंट्री है उस तरीके की कंट्री जो है बहुत कम चांसेस हैं कि वो इकट्ठे रह पाए उसकी डिसइंटीग्रेशन हो सकती है बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ने कहा था और क्यों कहा था रीजंस देखिए पार्टीशन हुआ तो आपको पता है पार्टीशन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई कैसे प्रिंसली स्टेट्स को हमने इंटीग्रेट किया राइट सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमने रोल पड़ा था फिर कैसे जब स्टेट्स जो हैं वो अपनी अपनी अलग स्टेट मांगने लगी कि हमें जैसे पंजाब ने कहा मुझे आ, अलग पंजाबी स्पीकिंग स्टेट चाहिए हरियाणा को अलग किया गया हिमाचल को अलग किया गया तो इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन की गई स्टेट्स की राइट फिर जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू हम इस चैप्टर में करने वाले हैं उसमें क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर रिजन के लिए एक डिस्प्यूट uh, रहा है शुरू से ही और जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनकी भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस अलग अलग हैं तो आप ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो एक्सटर्नली क्या प्रॉब्लम है जेएनके में और इंटरनली क्या इशू है जेएनके में राइट तो ये वाला हम आगे करने वाले हैं तो नागालैंड की फॉर्मेशन होती है ऐसे ही मिज़ोरम की फॉर्मेशन होती है साउथ में द्रविड मूवमेंट जो है वो Uh, इसके बारे में भी ये सारे जो भी एक्साम्पल्स पढ़ रहे हो बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट मच डिटेल राइट नाउ तो द्रविड मूवमेंट साउथ में होगी जो कि कहेगी कि साउथ इंडिया अलग एक कंट्री ब, बनना चाहिए अपना ठीक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई लिंग्विस्टिक मीन्स रिलेटेड टू लैंग्वेज जो जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो स्टेट्स होती हैं या फिर कोई भी इशू है तो उसे लिंग्विस्टिक बोला जाता है रिलेटेड टू लैंग्वेज तो हमने ये चैप्टर नंबर वन के अंदर पढ़ा था कि कैसे आंध्र प्रदेश कर्नाटका महाराष्ट्र और गुजरात की फॉर्मेशन होती है राइट फिर तमिलनाडु जो है जैसे अभी और इसमें सब कुछ आपको बताएगी कैसे कैसे इंडिया के अंदर किस किस तरीके के डिस्प्यूट होते रहते हैं स्टेट्स के बीच में तो जैसे हिंदी की इम्पोजिशन जब भी की जाती है फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि नेशनल लैंग्वेज क्या होती है जो सब लोगों की लैंग्वेज है एक ही सिंबल होता है नेशन का कि नेशनल लैंग्वेज होती है कि दिस इज अ सिंबल जो कि दिखाती है कि पूरा देश ये वाली भाषा बोलता है ठीक है तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी को जब भी ऐसे कोशिश की जाती है इम्पोजिशन की तब तमिलनाडु वाला जो रीजन है दैट इज अगेंस्ट हिंदी क्योंकि उनकी खुद की लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज है तो दे डू नॉट वॉन्ट कि उनके ऊपर इम्पोजिशन हो तो उनके अगेंस्ट जो है हिंदू हिंदी इम्पोजिशन के अगेंस्ट जो है वो तमिलनाडु आ, अपनी आवाज खड़ा करते हैं राइट नॉर्थ की जो एरियाज हैं वो प्रो हिंदी एजिटेशन करते हैं मतलब प्रो मतलब फॉर हिंदी हिंदी के लिए कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए तो आप ये चीज क्लैरिफाई कर लें एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज एक होती है नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो आपके ऑफिशियल कामों के लिए यूज की जाएगी डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो वो हिंदी है हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस जो है ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं पर नेशनल लैंग्वेज क्या होती है एक लैंग्वेज जो कि पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी तो ऐसा नहीं है ना कि हिंदी सब जगह बोली जाती है साउथ में नॉर्थ ईस्ट में देर आर मैनी प्लेसेस एंड मैनी स्टेट्स जहाँ पे हिंदी बोलना ही नहीं आता लोगों को तो ऑफिशियली जो है हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम पर नैशनल लैंग्वेज जब भी बात उठती है तो तभी प्रोटेस्ट होते हैं तो नॉर्थ में कहते हैं कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनानी चाहिए क्योंकि ऑफकोर्स नॉर्थ में तो ज्यादातर लोग हिंदी जानते हैं बोलते हैं पर साउथ में ऐसा नहीं है है ना सिक्सटी सिक्स के अंदर क्या होता है नाइनटीन सिक्सटी सिक्स के अंदर पंजाब एंड हरियाणा जब पंजाब डिमांड करता है ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कैसे लैंग्वेज के आधार पर पंजाब ने कहा कि मुझे अपनी स्टेट चाहिए है ना जहाँ पे सिर्फ पंजाबी बोली जाए और हरियाणा में क्या था बेसिकली हिंदी की कहीं बोलियां बोली जाती हैं ज्यादा पंजाबी नहीं है तो उस तरीके से डिवीज़न uh, हुआ तो मतलब बहुत सारी चीजें थी जिसकी आधार पर बहुत सारी स्टेट्स ने ऐसे कहा कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए या फिर हम अपनी अलग से ही स्टेट चाहते हैं राइट जैसे 2000 थाउजेंड ईयर के अंदर क्या हुआ था छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड एंड झारखंड को बनाया गया था तो ये भी हमने कुछ से याद किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको पता है तो इसकी फॉर्मेशन हुई ये कल्चरल बेसिस पे हुआ था डिवीजन तो आप देख सकते हो कि हम हमारी बहुत सारी एस्पिरेशन हैं जिसकी वजह से काफी टेंशन क्रिएट होती हैं फिर उसके बाद एक कमीशन बनाया जाते हैं फिर जाके कुछ रिजल्ट निकलता है फिर लोगों की वो जो एस्पिरेशन है वो फुलफिल की जाती है मतलब हमने बहुत सारी चीजों को किया ताकि ये जो टेंशन है ये जो ऑब्जर्वेशन uh, है कि इंडिया जो है वो यूनिफाइड नहीं रह पाएगा हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं राइट right? कि वो ऐसा नहीं हो पाए पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आज तक सॉल्व इतनी नहीं हो पाई हैं उस एक्सटेंट तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं कि हम कह दें कि Uh, ये चीज तो बिल्कुल प्रॉपर सोल्व है तो जैसे नागालैंड और कश्मीर का इशू है वो काफी कॉम्प्लेक्स इशू है जो कि अभी तक हम बिल्कुल प्रॉपर सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए हैं और नए नए चैलेंजेस आते रहे हैं जैसे कि पंजाब का इशू आएगा आप पढ़ोगे आसाम के बारे में इशू आएगा मिजोरम का इशू आएगा तो वी विल बी स्टडिंग ऑल ऑफ दिस कि हमने कुछ चीजों को तो सॉल्व कर लिया जैसे नागालैंड की फॉर्मेशन मिजोरम की उसके बाद कर दी ठीक है साउथ का जो द्रविड मूवमेंट है वो उठा लिंग्विस्टिक स्टेट्स से हमने चीजों को सॉल्व किया पंजाब का इशू को सॉल्व किया बाय क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट जिसकी नई बाउंड्रीज है पंजाब की जहां पर ज्यादातर पंजाबी स्पीकिंग लोग ही हैं फिर हमने इन तीनों स्टेट्स को छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एंड झारखंड की फॉर्मेशन की 2000 के अंदर चीजों को सॉल्व किया पर वी विल बी स्टिंग ए कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसकी वजह से नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस हम कहेंगे खत्म आज भी नहीं हुआ है वी आर ट्राइंग टू मेक अ यूनिफाइड इंडिया और कैसे हमने चीजों को नेगोशिएशन कर करके हमने बहुत हद तक एक इंश्योर किया कि हम रीजनल एस्पिरेशंस को सप्रेस नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रेंथन करेंगे राइट नाउ वी आर मूविंग टू आर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर सो वी विल बी स्टिंग दिस थ्रू मैप की कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम है तो जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो uh, दो दो लेवल्स पर हैं आप ये बहुत बार पढ़ लोगे इसी टॉपिक के अंदर की दो लेवल्स हैं एक है एक्सटर्नल लेवल मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है कि ये जो कश्मीर वैली है ये वाला जो रीजन है वो किसका है ठीक है वो पाकिस्तान का है वो इंडिया का है इस रीजन पे बहुत ज्यादा क्या है प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हैं तो ये इसे एक्सटर्नल इशू को बोलते हैं कश्मीर इशू राइट जब भी आएगा कश्मीर इशू तो क्या है दिस इज अ प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की टेरिटोरियल कंट्रोल किसका है इस रिजन पे और हम इसे काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे है सेकेंड है इंटरनल प्रॉब्लम सो द सेकेंड इशू इज अबाउट द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कि जो कश्मीर के लोग हैं दे कंसीडर देम सेल्व एस कश्मीरीज राइट तो उनकी ये जो कश्मीरी आइडेंटिटी है जिसे कश्मीरियत भी बोला जाता है तो वो लोग ऐसे मतलब हम इंडिया के साथ जाएं पाकिस्तान के साथ जाएं उन्हें अपनी आइडेंटिटी सबसे ऊपर लगती है कि कश्मीरी आइडेंटिटी इज सु, सुप्रीम राइट तो वो अपने लिए पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहते हैं तो वो इसमें तीन फैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं कोई इंडिया के साथ ज़्यादा ऑटोनॉमी कोई कहते हैं हमारी अलग कंट्री होनी चाहिए तो ये वाला इशू इंटरनल इशू जो है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो एक बार पढ़ेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके तीन सोशियो पोलिटिकल रिजन्स हैं ठीक है कश्मीर है जम्मू है और लद्दाख है तो आ, कश्मीर और जम्मू के बारे में तो आपको पता है और हमने लद्दाख का नाम भी सुन ही रखा है राइट तो एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि मैप के पर्पज़ से कैसे तो यहाँ पर काराकोरम पास है फिर यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर ठीक है गिलगिट है फिर मुजफ्फराबाद है यहाँ पर श्रीनगर जो जे की कैपिटल है फिर जम्मू के अंदर ये जो जम्मू का क्वार्टर है कारगिल लेह थोड़ा सा याद रखेंगे जो ये वाला जो आपका इंटरनेशनल बाउंड्री है जम्मू कश्मीर की है, पाकिस्तान के साथ टच करती है जो यहां वाली है यहां पर चाइना आता है तो यहां पर चाइना है तो क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री देखो जहां पर भी होगी ना वहां पर प्रॉब्लम होगी मतलब आपके जो डायरेक्ट नेबर्स होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू कॉटिलियन थियरी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि वो ज्यादातर आपके एनिमीज ही होते हैं आपको टेरिटोरियल डिस्प्यूट रहते ही हमेशा तो इसलिए क्योंकि ये इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करने वाला रीजन है इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस रीजन में राइट तो अब आप देखोगे कि तीन रिजन्स हैं और तीनों की अलग अलग कॉम्पोजिशन है काफी डाइवर्स रिजन है ये कश्मीर के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो कश्मीरी स्पीकिंग है यहाँ की खुद की लैंग्वेज है कश्मीरी राइट right? और जो ये कश्मीर वाला रिजन है ये वैली वाला रीजन है आपको पता होगा कि ये प्लेन्स होती हैं और थोड़ा सा ऐसे रिवर वैली टाइप वाला रिजन ठीक है उसे वैली बोलते हैं तो ये कश्मीर वैली रिजन है और यही मेन एरिया है जहां पर डिस्प्यूट है ठीक है पाकिस्तान के साथ जम्मू जो है वो प्लेन्स वाला रीजन है फुट हिल्स है यहाँ पर लद्दाख जो है वो माउंटेन्स वाला जैसे हिमालय है ना ऐसे ऐसे तो ये माउंटेनियस रीजन है तो कश्मीर के अंदर कश्मीरी बोली जाती है ये वैली वाला रीजन है और यहां पर दो प्रकार के लोग हैं मुस्लिम्स हैं और हिंदू हैं तो आप ये बड़ा एम दिख रहा है आपको छोटा एच तो मुस्लिम्स ज्यादा हैं कश्मीर के अंदर और हिंदू जो है काफी माइनॉरिटी छोटा सा ग्रुप है जो कि यहां पर रहता है हिंदू तो यहां पर एम एच रहते हैं पर एच काफी छोटे हैं राइट मतलब नंबर्स में उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है आपको पता है यहां पर पंजाब पड़ता है ना तो आपको ये तो कंटिन्यू रखना ही है एच और एम को यहां पर आपको सिख भी ऐड कर लेने हैं जम्मू के अंदर राइट उसके बाद आप लद्दाख के बारे में बात करोगे तो ये माउंटेनियस रीजन है यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे हिमालयाज़ हैं बहुत ठंड पड़ती है आप ऐसी चीज़ों को रिलेट करो बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पर बहुत कम लोग रह पाते हैं तो ऐसे स्टोरी बना लिया करते हैं जब भी चीजों को याद करना होता तो है तो माउंटेनियस है यहां पर क्या है देखो मुस्लिम तो तीनों रिजन में होंगे ही अभी यहाँ पर क्या है बुद्धिस्ट लोग हैं और मुस्लिम है हिंदू यहाँ पर नहीं है ठीक है तो यहाँ पर एच एच होगा यहाँ पर एस ऐड हो जाएगा सिख ऐड हो जाएंगे पंजाब से और ये जो रिजन है यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग हैं ठीक है ठीके? इन इक्वल प्रपोर्शन मतलब मुस्लिम और बुद्धिस्ट इक्वल प्रपोर्शन में है तो आपको पता है यहाँ पे तिब्बत रिजन पड़ता है ना चाइना का तिब्बत रिजन तो आपको पता है वहां पे काफी बुद्धिज्म मंग्स रहते हैं वहां पर राइट बुद्धिस्ट मंग्स तो आप ऐसे समझ लो थोड़ा ऐसे थोड़ी सी मिथ क्रिएट कर लेते पढ़ते पढ़ते कि यहां से बुद्धिस्ट आ गए थे याद हो गया है ना कि लद्दाख में यहाँ से बुद्धिस्ट आ गए थे तो यहाँ पर मुस्लिम और बुद्धिस्ट इक्वल इक्वल नंबर्स में हो चुके हैं इतना क्लियर हो गया अब आपको ये याद रखना है कि 2019 के अंदर क्या हुआ है लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और जम्मू और कश्मीर को ऐसे इकट्ठे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है ना तो हमारे एग्जाम में ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर क्या आया था कि जम्मू को बताओ जम्मू कौन सा रिजन है तो ऐसे करके यहाँ पे एक ऐसे रिजन है तो ये यूटी जो है वो जम्मू को बना दिया गया इन दोनों रीजन को जोड़ के और लद्दाख जो है वो ऐसे पूरा बहुत बड़ा सा ठीक है तो थोड़ा सा करंट में जो चीजें हो जाती हैं थोड़ा सा और वैसे भी आपकी बुक में दे रखा है कि जम्मू ये वाला रीजन है तो ऐसे करके ना छोटा सा ऐसे रीजन बना रखा था मैप के अंदर तो उन्होंने कहा जम्मू रीजन बताओ कौन सा है तो अफकोर्स बुक में तो दे ही रखा था ना कि यहां पे जम्मू है अफकोर्स जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि वो तो अब बनी है 2019 के अंदर राइट तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके सब इजी है राइट अभी हम फर्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है तो इसके अंदर क्या बता रखा है आपको कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई ठीक है हम शुरू से शुरू करते हैं तो क्या हुआ कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हैं जो अलग अलग चीज़ें चाहते थे ठीक है तो हम हिस्ट्री में जा रहे हैं अभी जब आ, हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय पर क्या था ये जो आ, ये जो एरिया है वो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ठीक है तो वहां पर जो रूलर थे उनका नाम था हरी सिंह ठीक है हरी सिंह अभी हरी किसको बोलते हैं भगवान को बोलते हैं तो भगवान हिंदू भगवान को हरी बोलते हैं तो ये हिंदू रूलर थे ठीक है तो बिफोर 1947 ये जो कश्मीर वाला रिजन था दैट वॉज अ प्रिंसली स्टेट और जो हरी सिंह थे वो हिंदू रूलर थे और वो चाहते नहीं थे कि मैं इंडिया के साथ जुड़ जाऊं ठीक है इंडिया के साथ तो हरि सिंह को जुड़ना नहीं है ठीक है प्रिंसली स्टेट है प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है कि जब ब्रिटिश रूल था तब क्या होता था कि दो तरीके की स्टेट हुआ करती थी तो उसमें से एक तरीके की कौन सी होती थी कि राजा है पर ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर काम करता था वो ठीक है तो हरी सिंह उस तरीके का प्रिंसली स्टेट का राजा हुआ करता था तो वो चाहता नहीं था कि मैं आ, इंडिया के साथ मर्ज हो जाऊं ठीक है वो नहीं चाहते थे कि मैं इंडिया के साथ मर्ज हो जाऊं तो ही वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेटस यानी कि अलग से कंट्री बनाना चाहते थे वो फिर उसके बाद ठीक है ये तो हरी सिंह जो खुद यहां पे राजा हैं उनकी इच्छा थी जो पाकिस्तान है वो कहते थे कि आ, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो कहते थे कि यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम की मेजोरिटी पॉपुलेशन है तो ये पाकिस्तान के साथ आना चाहिए ये पाकिस्तान का है ठीक है फिर कश्मीरीज जो है मैंने आपको बताया दे वांटेड कि आ, इंडिया पाकिस्तानों ने ये इतना मतलब काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था पर उन्हें था कि कश्मीरी आइडेंटिटी सबसे ऊपर है ठीक है उन्हें अपनी आइडेंटिटी अपनी ऑटोनॉमी सबसे प्यारी थी फिर उसके बाद कश्मीर के अंदर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी हुआ करती थी जो कि काफी मतलब ऐसे काफी बड़ी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस याद रखेंगे एन सी जहां पर भी अब लिखा होगा दैट मींस नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे शेख अब्दुल्ला ठीक है शेख अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो चाहते थे कि हमें हरी सिंह से छुटकारा चाहिए वी वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ महाराजा और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे ठीक है ये क्या था इंडिया के साथ नहीं और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि इसके खिलाफ है तो इसका उल्टा समझ लीजिए पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते हरी सिंह डिड वॉन्ट टू बी विद इंडिया राइट तो क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी यानी कि सब धर्मों को इक्वली देखने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी इसलिए पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहती थी ठीक है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो काफी नॉन सेकुलर ऐसे कंट्री माना जाता था नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा कि मुस्लिम्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते तो पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते ये सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस के काफी करीबी एसोसिएशन में थी और जो शेख अब्दुल्ला हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी के काफी क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे ठीक है तो मतलब इनका जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा इंडिया की तरफ है क्योंकि पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते इंडिया का क्या था कि हमारे साथ जुड़ेगा है ना कश्मीर अब देखो आप एक बार सोचो आपको लगेगा कि जब ब्रिटिशर्स ने मैप ही दिया था तो अब इशू क्यों उठेगा कश्मीर का तो आप ये बात समझो कि ब्रिटिशर्स uh, ने क्या कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जहां पर राजा हैं उनकी इच्छा होगी वो पाकिस्तान के साथ जाएं वो इंडिया के साथ जाएं या फिर अपनी ऐसे इंडिपेंडेंट नेशन बना लें ठीक है तो वो मेन जो मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है नो 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 सॉरी इट वाज लैप्स ऑफ सुवरेंटी से कि जो ब्रिटिशर्स हैं जहां पर ये प्रिंसली स्टेट्स हैं वो खुद अपना तीन ऑप्शंस में से डिसाइड करेंगे अब क्योंकि हरी सिंह जो है वो इंडिया के साथ नहीं आना चाहते हैं और पाकिस्तान का कुछ अलग स्टैंड है और इंडिया का कुछ अलग स्टैंड है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये इशू खड़ा हो रहा है ठीक है तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इंडिया इतना ऐसे टूट जाए इसलिए वो वाला प्रोसीजर बनाया था कि प्रिंसली स्टेट खुद डिसाइड करेगी तो अब इस ये जड़ है मतलब रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है क्योंकि उनके पास तीन ऑप्शंस थे कश्मीर के पास कि वो जो भी करे उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था राइट तो अब क्या होगा पाकिस्तान क्या करेगा इन अक्टूबर नाइनटीन पाकिस्तान विल बी सेंडिंग ट्राइबल इनफिल्ट्रेटर्स इन द रीजन ऑफ कश्मीर वैली ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब है कुछ मिलिटेंट्स होंगे जो ट्राइबल ओरिजन के होंगे और वो इस एरिया को इन्वेड करने के लिए भेजे गए हैं पाकिस्तान के द्वारा ठीक है तो अब यहाँ पे महाराजा हैं हरी सिंह अभी महाराजा को किसी की हेल्प चाहिए ठीक है खुद इतने वो होता है ना कि खुद की इतनी आर्मी नहीं है कि पाकिस्तान के ट्राइबल इन्फिल्डरेटर्स के साथ लड़ लें तो अक्टूबर 1947 के अंदर कुछ ऐसा ऐसा होता है महाराजा जाते हैं इंडिया की गवर्नमेंट के पास कि हमें हेल्प चाहिए अब इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि हम हेल्प करेंगे ऑन टू कंडीशन एक है कि आपको हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा यानी कि आपको इंडिया के साथ मर्ज होने का एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा एक्सेशन का मतलब क्या होता है मर्ज हो जाओ सेशन का मतलब क्या है ऐसे बाहर चले जाओ मतलब अपनी अलग कंट्री बना लो तो एक्सेशन मतलब हमारे साथ आप मर्ज हो पहले फिर हम आपकी सिचुएशन को सॉल्व कर देंगे ठीक है तो हरी सिंह वो ना हरी राइट क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो गई है कश्मीर के अंदर तो उन्होंने साइन कर दिया पर उन्होंने कहा कि हमें एक प्लेबिसाइड चाहिए होगा सून मतलब प्लेबिसाइड का मतलब यह होता है कि उस रिजन के लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें इंडिया के साथ रहना है या फिर नहीं रहना वो वोट करके ये डिसाइड करेंगे मतलब अभी तो ये टेम्पररी सोल्यूशन दे रहे हैं हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सॉरी एक्सेशन जो है वो साइन कर रहे हैं पर uh, जब सिचुएशन सही हो जाएगी तब कश्मीर के लोग जो है वो वोट करके बताएंगे आपको ठीक है तो ये वाली जो है इंडिया की टर्म हो गई और ये वाली जो है हरी सिंह ने कहा ठीक है तो इंडिया ने कहा हाँ ठीक है तो इंडिया ने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को बाहर निकाला ठीक है और अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो रिजन है कश्मीर का वो इंडिया के साथ जुड़ जाता है तो अब क्या होता है कि देखो अक्टूबर के अंदर ऐसा ऐसा हुआ अब नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है मार्च के अंदर नाइनटीन के अंदर शेख अब्दुल्ला जो है वो ऐसे इलेक्शंस में जीत जाते हैं और शेख अब्दुल्ला कौन सी पार्टी से नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो यहाँ के पीएम बन जाते हैं कश्मीर रीजन के पीएम क्यों उस समय पर जो ऐसे वो होते हैं कश्मीर के जो सीएम बोलना चाहिए पर उस समय पे उन्हें प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था ठीक है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते और शेख अब्दुल्ला की आइडियोलॉजी थी ऑटोनॉमी की और सेक्युलरिज्म सब धर्मों को एक तरीके से देखना और कश्मीर रिजन का खुद का ज्यादा ऑटोनॉमी खुद के पास ज्यादा पावर वाली सोच थी इनकी और ये जो है काफी अगेंस्ट थे प्रिंस रूल के यानी कि हरी सिंह के खिलाफ थे पाकिस्तान के खिलाफ थे क्योंकि पाकिस्तान का नॉन सेकुलर करेक्टर है ठीक है मुस्लिम ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की उस समय पे भी और अब भी ठीक है और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ये नाइनटीन फोर्टी सेवन के अंदर ठीक है तो कुछ कुछ डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आगे पढ़ लेंगे और फिर नाइनटीन सेवेंटी फोर में इंदिरा गांधी के साथ जो शेख अब्दुल्ला हैं वो एक अग्रीमेंट साइन करते हैं क्योंकि बीच में कांग्रेस के साथ शेख अब्दुल्ला की काफ़ी ऐसे मतभेद में डिफरेंसेस आ जाते हैं ना तो उसकी वजह से आ, 1974 आप उल्टा कर दो 47 इंडिपेंडेंस मिली थी ठीक है और 74 उल्टा कर दिया 47 को 74 तब तभी सीएम बन जाते हैं फिर टर्म चेंज हो जाती है प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर ही बोला जाएगा है ना तो अब ये हो गया और यहां पर क्या होगा कि हमने बताया ही कि आ, कश्मीर वाला रीजन जो है उसे ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा दी जाएगी इंडिया द्वारा राइट right? तो आपने रूट ऑफ द प्रॉब्लम वाले टॉपिक को अच्छे से देख लिया अब हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स एक्सटर्नल रीजन क्या है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ठीक है तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने 1947 अक्टूबर के अंदर यहाँ पे ट्राइबल इन्फिल्ड्रेटर्स भेजे कश्मीर वाले रीजन में तो अब होता क्या है ये जो ट्राइबल इन्वेजन हुई थी उसकी वजह से कुछ पार्ट कश्मीर वैली का वो उसके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन पाकिस्तान कर लेता है ठीक है तो ये वाला जो रिजन है वो इसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है कि ये वाला तो हमारा कश्मीर है पाकिस्तान इसके ऊपर अपना क्लेम जताते हैं पर इंडिया जो है इसे कहता है कि ये जो है वो इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान की ठीक है ये कुछ लीगली नहीं किया गया है पाकिस्तान द्वारा ये इलीगल है तो आजाद कश्मीर की डेफिनेशन क्या होगी कि 1947 अक्टूबर के अंदर जो पाकिस्तान है उसने कुछ ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे थे फॉर द ट्राइबल इन्वेजन और उस इन्वेजन के दौरान कुछ रीजन जो है आ, कश्मीर वैली का वो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था और पाकिस्तान हैज टर्म्ड दैट टेरिटरी एज आजाद कश्मीर ठीक है तो ये वाला जो रिजन है दिस इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो ये एक्सटर्नल रीजन है कि कश्मीर के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वो उसका एक्सटर्नल मतलब बाहरी कंट्री के साथ जो डिस्प्यूट है वो एक्सटर्नल रीजन ठीक है और जो बाहर है वो तो हमने पढ़ लिया अब इंटरनल रीजन ठीक है डिस्प्यूट का इंटरनल रीजन क्या है इंटरनल मतलब कश्मीर के लोग ठीक है तो अब होगा क्या कि कश्मीरीज का क्या स्टेटस है इंडियन यूनियन के अंदर दैट इज अ डिस्प्यूट मतलब क्या कश्मीर को बहुत ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं और लोग खुश हैं नाराज़ हैं इस तरीके का ठीक है तो आर्टिकल नंबर थ्री सेवेंटी जो है ये एक ऐसा आर्टिकल था हुआ करता था टू थाउजेंड नाइनटीन के अंदर इसे क्या कर दिया गया इसे थ्रू वाया एन अमेंडमेंट इसे एक तरह से कैंसिल कर दिया गया फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है तो हम पढ़ेंगे कि जो 370 हुआ करता था उसके हिसाब से कश्मीर को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई ठीक है एक स्पेशल स्टेटस दिया गया कश्मीर को ठीक है ताकि जो लोग हैं वो खुश रहे हैं ना इस तरीके के प्रोविज़न बनाए गए उसके अंडर क्या था कि कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा ठीक है खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा याद रखेंगे खुद का इनका फ्लैग भी हुआ करता था ठीक है कश्मीरीज का अभी अब होगा क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कुछ प्रोविजंस कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आ, पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होता हुआ ऐसे नहीं होता था कि इंडिया का कोई भी रूल बनाए तो वो सीधा कश्मीर के ऊपर इम्पोज किया कर दिया गया ऐसा नहीं हुआ करता था तो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ऐसा प्रोविजन नहीं था तो इसके थ्रू 370 के थ्रू ये सारी प्रोविजंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए ऑन जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो आ, कोई भी प्रोविजन जो है वो आ, कोई भी लॉ है वो तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर स्टेट अग्री करती है ठीक है अगर स्टेट अग्री करती है अब क्या होगा कि ये जो 370 आर्टिकल है बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है 370 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते है गिव्स अ स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर राइट सो व्हाट विल हैपन इज कि ये जो आर्टिकल 370 है इसके अलग अलग अपोजिट रिएक्शंस आए हैं कोई कहते हैं नहीं चाहिए थ्री सेवेंटी नहीं चाहिए वी अ डिफरेंट प्रोविजन कहीं कहते हैं हाथ चाहिए बट इट्स नॉट इनफ ठीक है पहले वाले देखते हैं कि कश्मीरीज जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आर्टिकल थ्री सेवेंटी जो है वो अलाउ नहीं करता कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर रीजन को टू बी फुली इंटीग्रेटेड इन द इंडियन यूनियन ठीक है हमें इंडिया का पार्ट नहीं फील होता ये जो प्रोविजन इन्होंने बनाए हैं कि हमें चाहिए कि 370 को रिवोक कर दिया जाए खत्म कर दिया जाए और हमें एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया जाए ठीक है हमें एक स्टेट का दर्ज, दर्जा जो है वो दे दिया जाए ठीक है तो इन्हें थ्री से दिक्कत है जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ चाहिए स्पेशल स्टेटस पर ये जो थ्री ने हमें जितनी ऑटोनॉमी दी है वो इनफ नहीं है ठीक है वो इतनी नहीं है कि हम लोग खुश रह पाए ठीक है अभी क्या है कि आ, ये लोग कहते हैं कि हमें बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं नंबर वन मैंने आपको बताया था ना कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सेशन जो है वो साइन हुआ था तब क्या हुआ था कि प्लेबिसाइड की बात हुई थी पर ये प्लेबिसाइड कभी नहीं हुआ ठीक है कभी भी नहीं पूछा कि भाई आपको साथ में रहना या नहीं रहना तो ये एक काफ़ी बड़ा ऐसे प्रॉब्लम है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ठीक है सेक्शन ऑफ दोज पीपल क्योंकि जो प्रोमिस किया गया वो नहीं ऐसे ऑफर नहीं किया गया राइट फिर उसके बाद जो भी ग्रेटर ऑटोनमी 370 कहता था वो पूरी तरीके से प्रैक्टिस में नहीं लगाया गया था ठीक है तो ये वाली प्रॉब्लम थी और कहता है ठीक है, कश्मीर के अंदर नहीं है। तो 370 को हमें ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए ठीक है तो ये दो तरीके के फैक्शन हुआ करते थे अब हुआ क्या ये आपकी बुक में नहीं गिवन है और दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में इतनी बात पढ़ रहे हो तो थ्री 1970 को रिवोक कर दिया गया था इन 2019 जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करती थी ठीक है ऐसे स्पेशल स्टेट स्टेटस वाली स्टेट हुआ करती थी उसे दो टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी है लद्दाख राइट तो जम्मू वाला जम्मू एंड कश्मीर वाला यहाँ पे होगा यूनियन टेरिटरी बाकी अपना लद्दाख इधर है राइट तो इतना क्लियर हो गया इंटरनल प्रॉब्लम क्या क्या थी 370 के खिलाफ लोग क्या क्या कहते थे और 370 के क्या क्या प्रोविजंस थे ठीक है अभी हम अभी आप ये थोड़ा सा समझ लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ आपको कि जो यूनियन टेरिटरी अब बनाई गई है ना यूनियन टेरिटरी इज बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर ठीक है जब भी आपकी अगर मान लो ये स्टेट बनाई जाती ठीक है ये स्टेट वन ये स्टेट टू तो इनके पास खुद की ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा होती पर क्योंकि इसे यूटी बनाया गया है यूटी का जो है कंट्रोल बहुत ज़्यादा सेंटर पे होता है ठीक है यूनियन गवर्नमेंट पे होता है तो अब इंटरनल इशू क्या है कि जो यूटी है हमें बना दिया गया यूटी उसकी वजह से हमें अपनी ऑटोनॉमी जो है वो एक तरह से थ्रेट के अंडर है क्योंकि सेंटर हमारे ऊपर उतना ज़्यादा कंट्रोल करता है ठीक है तो ये इंटरनल इशू को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप लिख सकते हो 2019 ईयर याद रखेंगे जब अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब हम तीसरे टॉपिक पे आ रहे हैं पॉलिटिक्स सिंस 1948 ठीक है तो 1948 में आपने पढ़ लिया शेख अब्दुल्ला बन गए पीएम राइट आपने ये पढ़ लिया कि हरि सिंह की जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई क्योंकि ही वांटेड अ सेपरेट स्टेट फॉर हिमसेल्फ सेपरेट स्टेट इन द सेंस ही वांटेड अ सेपरेट कंट्री फॉर हिमसेल्फ ठीक है तो अभी शेख अब्दुल्ला जो है वो बन गए हैं अब जो शेख अब्दुल्ला है ही वॉज अ वेरी पॉपुलर लीडर ठीक है उन्होंने जब पीएम बने वो तो उन्होंने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इम्पलीमेंट करने शुरू कर दिए और जिसकी वजह से ऑर्डिनरी पीपल आम जनता जो है वो काफी उन्हें फायदा हो रहा था इस चीज से राइट पर अब होता क्या है कि आ, जो सेंटर गवर्नमेंट है ठीक है कांग्रेस ही रहेगी है ना अब आप, आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे फ, आ, फिफ्टी वन से कांग्रेस कांग्रेस ही चलती रहेगी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है उसका कुछ अलग स्टैंड था स्टेटस ऑफ कश्मीर पे और जो शेख अब्दुल्ला है वो ज्यादा ऑटोनॉमी चाहते थे तो इसकी वजह से मतभेद है उन दोनों के बीच में यानी कि स्टेट और सेंटर के बीच में मतभेद है तो अब होगा क्या कि 1953 आप क्या करोगे फाइव इयर्स प्लस कर दो ठीक है फाइव इयर्स प्लस कर दिए 1953 के अंदर क्या होता है शेख अब्दुल्ला याद रखेंगे नाम को बिल्कुल अच्छी तरीके से शेख अब्दुल्ला क्योंकि ये पूरे इशू के अंदर आपको एक ही नाम याद रखना है शेख अब्दुल्ला ठीक है जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं तो शेख अब्दुल्ला जो है उन, उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया जाते हैं शेख अब्दुल्ला को डिटेंशन में डाल दिया जाता है मतलब प्रिजन में डाल दिया जाता है राइट अब क्या होगा कि 53 से जो भी इलेक्शंस होंगे उसके अंदर माल प्रैक्टिस की जाएंगी ठीक है और इलेक्शन के अंदर बहुत सारा करप्शन होगा रिगिंग होगी राइट तो अब क्या होगा कि कांग्रेस का सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 53 से मतलब पांच साल की ऐसी थी कि अपनी सरकार है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की अब पांच साल बाद क्या हो गया बस ठीक है अब जो है सेंटर का गवर्नमेंट का जो रोल है इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर के लोग खुश नहीं रहेंगे राइट नेशनल कॉन्फ्रेंस में से अब शेख अब्दुल्ला को माइनस कर दिया ठीक है नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनस शेख अब्दुल्ला जो है वो एक पार्टी रह गई है ठीक है कांग्रेस का अलायंस बन गया ठीक है इन्होंने जो है वो रूल करना शुरू कर दिया इलेक्शन के अंदर और विद टाइम कांग्रेस ही जो है वो जीतने लग गई इलेक्शंस के अंदर क्योंकि लोगों का कहना था कि ये बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट करता कि ये सही इलेक्शन के रिजल्ट हमें दिखाए जा रहे हैं गलत तरीके से जीता गया इलेक्शंस को तो इसकी वजह से जो है कांग्रेस का काफी ऐसे मतलब एक डिस कंटेंटमेंट थी रिजेंटमेंट थी लोगों के मन में कि क्यों ऐसा हो रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में से शेख अब्दुल्ला को तो डिटेंशन में रख दिया तो माइनस आपकी बुक में दे रखा है, शेख अब्दुल्ला माइनस ओ आई एम सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनस शेख अब्दुल्ला एंड कांग्रेस की जो अलायंस बन गई थी ये रूल कर रही थी पर कुछ समय बाद कांग्रेस का डायरेक्ट रूल आ जाता है यहाँ पे सेवेंटी मैंने आपको याद कराया था ठीक है 1947 और 74 तो सेवेंटी uh, फोर के अंदर क्या होता है कि शेख अब्दुल्ला जो है और इंदिरा गांधी जो है इनका एक अग्रीमेंट होता है राइट right? जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला को क्या है कि uh, ऐसे डिटेंशन में से भी निकाल दिया जाता है और शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करते हैं ठीक है और वो इलेक्शंस में क्या है सेम बन जाते हैं ठीक है अब बन जाएंगे आप 77 के इलेक्शंस को देखोगे तो लोगों का फिर से ट्रस्ट आने लगा कि हाँ चलो डेमोक्रेसी फिर से आने लगी है फिफ्टी थ्री से तो चीजें खराब ही होती जा रही थी उनके हिसाब से है ना तो अब क्या होगा सेवेंटी फोर के अंदर शेख अब्दुल्ला जो है वो बाहर आ जाते हैं रिवाइव कर रहे हैं का, काम कर रहे हैं सेवेंटी सेवन के अंदर इलेक्शन आते हैं जिसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा भारी मात्रा के वोटों से जीत जाती है ठीक है उसके बाद क्या होगा पांच साल प्लस कर दीजिए आप पाँच साल बाद एटी टू के अंदर शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है ठीक है तो मतलब जो डेमोक्रेसी चल रही है अभी फिर से वो थोड़ा उनके पॉपुलर लीडर की डेथ हो जाती है अब क्या होगा कि आ, इनके बेटे जो हैं फारूक अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बन जाते हैं और वही मतलब ऐसे वही अब सीएम की उपाधि वो करेंगे है ना पर इन्हें क्या कर दिया जाएगा डिसमिस कर दिया जाएगा तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ट्रस्ट फिर से थोड़ा थोड़ा आने लगा था डेमोक्रेसी पे विश्वास बनने लगा था कि इंदिरा गांधी के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से इन दोनों ने अपनी जो मतभेद थे उन्हें सॉल्व कर लिया था कि शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर का स्टेटस चाहते थे उसके उनके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मान लिए गए सेंटर के जो कुछ पॉइंट्स थे कि हाँ कश्मीर को ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा उनके शेख अब्दुल्ला ने पॉइंट्स मान लिए तो काफी सही चल रहा था अभी पर एटी के अंदर क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाएगी फिर फारूक अब्दुल्ला को डिसमस कर दिया जाएगा ठीक है चार साल बाद एक इलेक्शन होगा जिसके अंदर क्या होगा कि एक कुलजन चार साल बाद नहीं अभी होगा ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है से सेंटर वाली जो कांग्रेस है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक अलायंस बना लेंगी ठीक है 86 के अंदर ये चाहे आप याद भी नहीं रखें ईयर तो चलेगा आ, ये जो अलायंस बनेगी इसकी वजह से लोग फिर से होंगे कि हमारे लीडर को डिसमिस कर दिया गया है और सेंटर फिर से हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो क्या कर रही है ऐसे इंटरफेरेंस कर रही है राइट तो आपने इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा कि इंटरनल इशू के अंदर थोड़ा ये भी था कि उन्हें अपनी पावर कितनी मतलब वो यूज करेंगे नहीं करेंगे उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा प्रभाव डाल रही है अपना तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वी विल बी डूइंग इन अर नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि 86 के अंदर अलायंस बनी थी और 87 के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो हम आगे जानेंगे कि कश्मीर की कहानी में क्या टर्न आने वाला है राइट तो हमने बहुत सब कुछ पढ़ लिया रूट ऑफ द प्रॉब्लम पढ़ लिया इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में पढ़ लिया और 48 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी जब शेख अब्दुल्ला जो है वो पीएम बन जाते हैं राइट सो वी विल बी कंटिन्यूइंग इन आर नेक्स्ट वीडियो आई होप यू आर एबल टू गेट ऑल ऑफ द थिंग्स राइटली दिस चैप्टर इज अ बिट लॉन्ग पर ये इतना इंटरेस्टिंग है और आपको इससे मैप से रिलेटेड काफी आ, दिमाग में रखना जो जो रिजन्स के बारे में बात हो रही है स्टेट्स के बारे में बात हो रही है उसकी लोकेशन आपको जान के रखनी है और फिर आपका मैप जो है वो काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि एक स्टेट के बारे में बात कर रही है तो उस हिसाब से आपके पास एक मैप आ सकते हैं मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय